पंख वहां पे नॉक डाउन किए जा चुके, सिंप एंड कैसर। अब दो प्लेयर्स बचे और एक काइंड ऑफ 2v3 का इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सिम को प्लेयर्स डाउन करने पड़ेंगे अपनी टीम के जो भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक नॉकडाउन तो एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एज ए नंबर ऑफ प्लेयर, ओ माय गॉड, वो ग्रेनेड जरूर आया था सामने से गॉडिल प्लेयर्स का और कैजर का, वो ग्रेनेड था। नीतीश कुमार थोड़ा सा डैमेज हुआ लेकिन वक्त करे थी पीछे हटके। अभी सबसे आगे स्मोक्स का इस्तेमाल किया, ओ मौलिक इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन उससे अगर मैं दिक्कतों की बात करना चाहता हूँ, शायद मोगो स्पोर्ट्स को होती हुई दिखाई दे रही है। सिम वहाँ पे नॉकडाउन कर देंगे नीतीश कुमार को, ओके एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा किसने डाउन किया, बट थोड़ा सा खिचड़ी यहाँ पे पक चुका है। गॉडेल के प्लेयर्स को देख लीजिए, एक सिंप यहाँ पे घुटनों पे, एंड जस्टिन जो डाउन थे, फाइनली उनका एलिमिनेशन जो है हो चुका है। नीतीश कुमार भी डाउन थे, वो 2v1 का इक्वेशन दोनों टीम्स के बीच में रह गया। लेकिन बैक साइड में देखेंगे कैजर की भी यहाँ पे एंट्री होती हुई दिखाई दे सकती है, तो अगर कैजर यहाँ पे सही वक्त पे पहुंच जाते हैं, जिस तरीके से सामने यहाँ पे गॉडेल के पंख को देखा जा सकता है, वो अकेले भाई दो प्लेयर्स के फायर को खेल रहे हैं और बैक साइड से कैजर क्या कर रहे हैं वो देखना है। ओके एंगल बना के हाथों में डीवीस लेके बड़ा बहुत ही यहाँ पे सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी टीम जीत सकती है। एक डीबीएस का फटका कैजर का, अगर यहाँ पे मोगो के प्लेयर्स को जस्टिन जो भी उनको डाउन कर देता है तो बात यहाँ पे बन सकती है। और कैजर ने वो हिम्मत दिखाई जिसकी जरूरत थी, डाउन करते फिनिश ऑफ किया जा चुका है। और अब डेल्टा पीजी एक आखिरी वो लास्ट प्लेयर, अब नहीं की तरफ से रिवाइवल भी दिया जाएगा। एक 1v3 का सीन यहाँ पे अब दोनों टीम्स के बीच में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कैसा नॉकडाउन डेल्टा पीजी की तरफ से, ओपनिंग यहाँ पे मिल चुकी है। और अब एक 1v2 का सीन दोनों टीम्स के बीच में, सिम्फ वहाँ पे हेल्थ को रिकवर करना चाहेंगे क्योंकि जस्ट अभी अभी वो नॉक से रिवाइव हुए हैं। पंख यहाँ पे सामने डीवीएस लेके बैठे हुए हैं, एक और किराना पड़ेगा डेल्टा पीजी को अगर यहाँ पे गॉडेल को फिनिश ऑफ करना है, बट वो कोऑर्डिनेशन, वो सिनर्जी,